दोस्तों, यह है जलगांव जिला, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है, जो नासिक डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह जिला सतपुड़ा व अजंता पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो ये खूबसूरत वादियाँ इस जिले की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। साथ ही यह जिला अपने गोल्ड व केले के उत्पादन के लिए बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इस जिले में गोल्ड का प्रोडक्शन किया जाता है, जिस वजह से इस शहर को गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही जलगांव जिले में केले का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, जो राज्य का दो तिहाई हिस्सा यह जिला केले का उत्पादन करता है। जलगांव जिले को पहले पूर्वी खानदेश जिला के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर जलगांव रख दिया गया और जिले का जिला मुख्यालय व कार्यालय जलगांव शहर में स्थित है। दोस्तों, जलगांव जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये जिला महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी हिस्से में ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो राज्य की राजधानी मुंबई से 412 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही यह जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। जलगांव के पूर्व में बुलडाना, पश्चिम में नासिक व धुले, दक्षिण में औरंगाबाद व जलाना और उत्तर में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से घिरा हुआ है। लगभग 11,765 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैले हुए जलगांव जिले की वर्तमान अनुमानित आबादी लगभग 47 लाख लोगों की है, जो कि आबादी के मामले में यह जिला महाराष्ट्र राज्य का 14वां सबसे घनी आबादी वाला जिला है। वहीं यहां के लिंगा अनुपात की बात करें तो यहां पर 1000 पुरुषों पर 932 महिलाओं का लिंगा अनुपात पाया जाता है। धर्म के आधार पर देखें तो यहां की कुल आबादी में 81.74% हिंदू, 13.25% मुस्लिम, 3.40% बौद्ध, बाकी 1.52% अन्य धर्मों के लोग इस जिले में निवास करते हैं। साथ ही यहां पर बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं मराठी, अहिरानी, हिंदी व अंग्रेजी हैं। दोस्तों, जलगांव जिला एक कृषि प्रधान जिला है। जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था का आय स्रोत व मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। जिले का अधिकांश भूभाग उपजाऊ होने के कारण यहाँ के रूरल एरिया के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से केला, चाय, कपास और गन्ना जैसी फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा जिले में चीनी मिल, रेशम उत्पादन और रासायनिक उर्वरक बनाने के कारखाने भी मौजूद हैं। यातायात के माध्यम से देखें तो जलगांव जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग की बात करें तो जलगांव जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन व जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर स्थित है, जो अपने रेल मार्ग के द्वारा देश व राज्य के कई शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सड़क मार्ग की बात करें तो जलगांव जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 211 और 6 गुजरती हैं, जो आगे चलकर इसे देश व राज्य के कई शहरों से जोड़ती हैं। इसके अलावा जलगांव शहर से कई बस सेवाएं भी संचालित की जाती हैं, जिनकी सहायता से मुंबई, नासिक और पुणे जैसे कई शहरों को आसानी से जाया जा सकता है। हवाई मार्ग, जलगांव जिले में मौजूद जलगांव हवाई अड्डा, जो कि एक डोमेस्टिक हवाई अड्डा है, जो जलगांव शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं जलगांव जिले के कुछ खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में, जो इस जिले की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थल मेहरून पार्क, बरोला किला, कांताई डैम, शिव धाम मंदिर, उमालेश्वर महादेव मंदिर, महात्मा गांधी पार्क, भीम कुंड जैसे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल जलगांव जिले में मौजूद हैं, जिनकी सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।